Hey guys, welcome back to my channel, and today we will study reaction to change. As we already know what is change, now we will study reaction to change. There are two ways and two impact when the change is occur in any organization or in any situation. The first one is loss of status or job security. या तो उनको अपने status का जाने का खतरा होता है या फिर उनको अपनी job security होती है कि कहीं change की वजह से हमारी job ना चली जाए, तो इस वजह से लोग resist करते हैं change के लिए. Fear of unknown. Fear of unknown क्या कहता है, अब change organization में आ रहा है तो किसी को नहीं पता होता कि change कैसा आएगा, तो उनको एक अनचाहा डर होता है, एक fear होता है कि पता नहीं change कैसा होगा और वो हमें किस तरह से affect करेगा. क्लाइमेट ऑफ मिस्ट्रस्ट क्या कहता है कि अगर जब चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला होता है तो लोगों के अंदर एक मिस्ट्रस्ट बन जाता है, लोग ट्रस्ट कम करते हैं कि जो चेंज ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रही है वो हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, वो एक नेगेटिव थॉट इम्पैक्ट अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ फियर ऑफ फेलर. उनको डर होता है, एक फियर होता है कि कहीं जो चेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे वो फेल ना हो जाए, उनको उस फेल का डर होता है. एक्सेप्टेंस टू चेंज क्या कहता है, जब लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चेंज हमारे लिए अच्छा है. जैसे कि बीइंग फ्लेक्सिबल, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं ताकि वो कोई भी काम कर सकें, इसलिए वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं. गेन अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए भी वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मेक यू पॉजिटिव, चेंज आपको पॉजिटिव बनाता है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी ग्रोथ पे होता है और आपके करियर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए लोग चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं.